तो स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। आज हम जाएंगे काठमांडू से लेकर पोखरा तक बस से। पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। अभी होटल से निकल रहा हूँ, बस अभी काठमांडू में हूँ मैं। मजा आएगा, लाइक कर दो वीडियो को। चलो शुरू करो। पहुंच गए फाइनली 3:15 बजे। ये बस स्टॉप है पोखरा का। यहाँ पे आके सारी टूरिस्ट बसें रुकती हैं। सामान अपना पूरा निकल गया है। अब देखते हैं होस्ट का घर कितना, होटल जो है वो कितना दूर है। लेक साइड पोखरा है ये। पीछे लेक है, नैनीताल जैसा थोड़ा थोड़ा फील है। टूरिस्ट का ये मेन पॉइंट है पोखरा में। तो पहुँच गए होटल सेरेनिटी पोखरा। यहाँ पे मिलना है मुझे रोहित। रोहित पहुँच गए। चलो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बस की जर्नी थी, थोड़ा सा वॉक करना पड़ा, आधा घंटा लगभग। तो हम हैं इस वक्त होटल सेरेनिटी पोखरा में और ये होटल है रोहित भाई का। रोहित भाई इंग्लिश में बात करेंगे, ज़्यादा हिंदी इनको समझ में आती है। और भाई का कल बर्थडे था, आपका नाम भूल गया मैं। रोहन जंग कहती है। रोहन रोहित। ओके, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो इनका कल बर्थडे था, हमने यहाँ पे बर्थडे मनाया। पहले हमारा वेलकम हुआ, फिर बर्थडे मनाया, फिर हमने जाके आराम किया। आज हम थोड़ा सा घूमने वाले, रोहित भाई बताएंगे थोड़ा सा हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अभी हम उधर जाएंगे, फिशिंग पॉइंट उधर एक रेस्टोरेंट है, उधर हम जाएंगे। उधर एक बड़ा सा लेक है, वो भी दिखाएंगे आपके पोखरा में। कितना वॉकिंग डिस्टेंस ओनली 10-15 मिनट। ओके 10-15 मिनट। तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, पोखरा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शायद लेक साइड घूमने। लेक साइड घूमने जा रहे हैं। ओके, तो ये लेक साइड के रोड से गाड़ी ले जाते हुए बड़ा सुंदर नजारा। और आगे भी देखो यार, ओ हो बड़े अच्छे नज़ारे। अभी अभी मार्केट ख़त्म हुआ है और ये सामने माउंटेन्स वगैरह, बहुत ही अच्छे नज़ारे। लेक साइड रोड बोलते हो, पीछे मार्केट लगता है और आगे जाके ये थोड़ा जंगल जैसा इधर आ जाता है। बहुत ही अच्छे नज़ारे पोखरा के। पोखरा में नेचुरल ब्यूटी काठमांडू से ज़्यादा है, मोर देन काठमांडू। देखो यार क्या राइड है ये, मतलब मरीन ड्राइव, यहाँ का मरीन ड्राइव आप बोल सकते हो इसको। ये बहुत लंबा सा एक स्ट्रेच है जो लेक के किनारे चलता है और वहाँ पे बहुत दूर आपको पैराग्लाइडिंग अगर दिख रही हो तो हम आगे से दिखाएंगे। अभी जाएंगे हम वहाँ पे और सामने माउंटेन्स और ये लेक साइड हो यहाँ का ये मरीन ड्राइव आप बोल सकते हो। काफ़ी दूर से ये लेक चलता हुआ आ रहा है। इज इट मैन मेड लेक और नेचुरल? ओके, ये देखो यार नज़ारे, ओहो हो ये है। मतलब मैं पोखरा को बोलूंगा यार, काठमांडू से बहुत ज्यादा फील है यहाँ पे। और नेचुरल, ओहो चील कौवे उड़ते हैं, ऐसे उड़ रहा है वो पैराग्लाइडिंग। मैं दिखाऊंगा आपको, बाद में दिखाता हूँ पास से अगर पॉसिबल हुआ तो। ओ भाई इतनी पास पास उड़ रहे हैं वो पैराग्लाइडिंग के, दिखाऊंगा आगे। बहुत ही अच्छा ये रूट। इज देयर एनी बस ऑन दिस रूट? नो, बस अवेलेबल फॉर पोखरा, पोखरा टूर ओनली, पोखरा स्पेशल। ओके, we have a city bus also, we have taxi and everything, you can bring bike also. Okay, the way is very nice, you can see this all road is very so nice. What is the last point from here? There is a landing zone and okay. There is one sedi ghati china. Okay. And panchase. Okay, तो ये प्लेसेस फॉर ट्रेकिंग। ओके, स्पेशली पीपल गो फॉर ट्रेकिंग। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा अलग क्या लग रहा है, ये आप देख रहे हो सामने पहाड़ और इसी के नीचे एकदम लेक बसा हुआ है। तो ये बहुत लंबा और बड़ा और ये रोड जो है ना मरीन ड्राइव जैसा, अरे वाह ये नहीं देखा मैंने ऐसा, मजा आया। तो अभी हम आए हैं इस रेस्टोरेंट में जो लेक पे ही रेस्टोरेंट है। ऊपर अभी भी पैराग्लाइडिंग दिखाई दे रही है और हम यहाँ पहुँच गए हैं एक फिशिंग एंड रेस्टोरेंट में करके पहाड़ों के नीचे ही। तो यहाँ पे हमारे लिए स्नैक्स के तौर पे आया ये स्मॉल फिश। इसकी आँख आपको दिख रही होगी, छोटी छोटी ये फिश होती हैं और ये सलाद और चटनी के साथ इसको सर्व किया जाता है। स्नैक्स के तौर पे इसको खाते हैं और दारू वारू के साथ भी शायद लोग इसको लेते हैं। और ये दिखाना था बस आपको तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा साइकिलिंग मिली है हमें, बहुत टाइम बाद साइकिलिंग कर रहे हैं। हिचहाइकिंग वगैरह वो सब तो करते हैं तो पैदल बहुत सारा चलना पड़ता है, लेकिन साइकिलिंग का अपना ही मज़ा है। सफर कैसा है ये सफर,
शहर की मरीन ड्राइव पे साइकिलिंग करने का। ओहो शहर की मतलब मैं मरीन ड्राइव को एक क्यों बोल देता हूँ, वो तो मुंबई की जगह है, तो जहाँ पे भी ऐसा एक साइड पे पानी होता है जैसे समुंदर है मुंबई में, ऐसे ही अहमदाबाद में भी एक लेक रिवर साइड है और कई जगहों पे ऐसी साइडें होती हैं जो एक बड़ा सा रोड होता है और एक वाटर बॉडी होती है साइड में, उसको मरीन ड्राइव बोल देता हूँ मैं। ये है भाई अभी का नज़ारा, देखो इस नज़ारे के साथ मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। ओहो मज़ा ही आ गया पोखरा में। काठमांडू से बहुत ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा पोखरा, एयरपोर्ट भी अवेलेबल है, यहाँ पे आ सकते हो आप, मज़ा आ रहा है। तो रोड से मैं अपनी साइकिल को लेके आ गया हूँ नीचे और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग होती है, यही एक पॉइंट है। ये देखो ये आ रहे हैं, ये मेरे सर पे ना उतार दे। ओह बॉय ये है पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग पॉइंट, बहुत सारे लोग उतर रहे हैं यहाँ से, ऊपर टॉप से चलते हैं ये और यहाँ पे आके लैंड करते हैं। तो यही है इनका लैंडिंग पॉइंट। भैया आप लोग पैराग्लाइडिंग कराते हो? हाँ 5000 है। 5000 सिंगल पर्सन? ओके। तो ये यहाँ पे अपना पैराग्लाइड पैक कर रहे हैं और ये है देखो सुंदर लेक के नज़ारे, साइकिल मेरी वहाँ पे खड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारे। और ये वो रोड है जिसके साथ साथ में वो देखो वहाँ से चलते हैं ये लोग, उड़ते उड़ते गोल गोल घूमते घूमते इधर को लैंड करते हैं, काफ़ी सुंदर। तो अभी हमारे लिए आई है ये फ्राइड फिश और अगेन वही वाली चटनी, और यहाँ पे नॉन वेज के काफ़ी आइटम रहते हैं, तो नज़ारे के साथ बैठो और ये चकना वगैरह सब रहता है। स्नैक्स बोल रहा हूँ, चकना नहीं। ये फ्राइड फिश। तो अभी हमारे लिए ये थाली, ज़्यादातर यहाँ पे नेपाल में जो सर्व किया जाता है चावल किया जाता है और इसके साथ सब्जियाँ रहती है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन या फिश कुछ रहता है, मटन चिकन। तो हमने ये फिश हमारे लिए आई है इस बार, और स्नैक्स में भी स्टार्टर में भी हमने फिश खाया था, ये फिश करी है, चावल हैं और ये कुछ रहता है, ये व्हाट इज दिस कॉल्ड, साग का कुछ अचार जैसा ये रखते हैं, ये रहते हैं हर प्लेट में, ये नेपाली प्लेट में मैंने ये देखा है ये रहता है। बाकी ये हमारा लंच, इसको खाते हैं और फिर देखते हैं आगे घूमने जाते हैं कहीं। तो लंच के बाद मैं एक और साइकिल राइड लेने आ गया हूँ। साइकिलिंग मुझे काफ़ी पसंद है, शुरुआत में मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग और वो सब एथलेटिक्स बहुत किया है मैंने। ये देखो यहाँ पे एक बस भी आती है, लोकल बस है इनकी। तो ये है पहाड़ियों के बीच में, अगर घूमना है तो लेक साइड पोखरा में ज़रूर आओगे ही, मतलब ये फेमस है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। मेरे को काठमांडू से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं बोलूँगा कम से कम 100 times। भाई और ये खास से चलाना मुश्किल हो रहा है यार, गियर वाली मैंने बहुत कम चलाई है, ये खास से ये डिसबैलेंस हो रही है कई बार, मज़ा आ रहा है। देखो यार ये मेरी साइकिल चल रही है और सामने मेरे वैली देखो। क्या नज़ारे हैं यार, ये पीछे का नज़ारा है और ये मैं आगे जा रहा हूँ, वाह बहुत ही सुंदर, पहाड़ों के बीच में ऐसे साइकिलिंग करने का मज़ा ही अलग है। खाना पीना खा के ऐसे शॉर्ट साइकिल राइड पे निकलो। अच्छा मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ से रिलेटेड एक बजट टिप ज़रूर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो, कैंपिंग पॉसिबल है, लेक साइड पे आप जा सकते हो, कहीं पे भी ओपन कैंपिंग है, ओपन लैंड है, कोई मना नहीं करेगा। और हाँ ठंड लग सकती है, अगर विंटर में आओगे तो ठंड होगी, बाकी तो नज़ारे हैं सामने पहाड़ों के और कोई रोक टोक नहीं है, मतलब आपको मिल जाएगा ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, यहाँ से आपको पानी वानी मिल जाएगा, पानी वानी फिलअप करा सकते हो आप और वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ये साइड में सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं और ओपन लैंड है, ये जो दिख रहे हो आप ये सब ओपन लैंड है। तो पोखरा में कैंपिंग पॉसिबल है पर विंटर में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख लो मतलब अच्छा स्लीपिंग बैग हो तो आप कर भी सकते हो, मैंने भी की थी काठमांडू में, पर ये पहाड़ों के बीच में है तो रात में कितनी ठंड पड़ जाएगी हमें पता नहीं, अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है, हल्की सनशाइन। ओहो तो पहुँच गए वापस रेस्टोरेंट में, इस तरह की छोटी छोटी कैनोपी बनी हुई हैं, एक जैसे ये बनी हुई है पानी के ऊपर, तो
तो इसके अंदर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ अंदर बैठने का। इसमें कुछ सेटअप ये है और बाहर से आपको लेक का नज़ारा दिखेगा, पहाड़ियों का नज़ारा दिखेगा और आप यहाँ पे बैठ के लंच करोगे या जो भी है। ये इतनी सारी ये कैनोपी बनी हुई है छोटी छोटी, हम इसमें खाना खा रहे हैं ये में, और सामने ये पहाड़ियों का नज़ारा मस्त है। तो चलो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अभी जा रहे हैं बस वापस होटल, कितना 4-5 किलोमीटर आए होंगे हम यहाँ पे, 4-5 किलोमीटर रिवर बेल्ट पे ये था, रिवर नहीं लेक है, तो इसी पे इसी के किनारे आए थे, एंजॉय किया, मस्त लंच किया, मज़ा आया। अभी वापस जा रहे हैं लंच, और 4 बजे हमारा एक और चैलेंज है, मोमोज ईटिंग चैलेंज रखा है हमने आज, तो वो देख लेना नेक्स्ट वीडियो, और नेपाल के सारे वीडियो देख लेना, मज़ा आएगा। और इनकी प्रॉपर्टी में हम रुके हुए हैं, होटल सेरेनिटी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। और पोखरा आना हो तो भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना, मिल लेना, हमारे भी बता देना, डिस्काउंट मिल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, चलो भाई भाई। आज है 27 दिसंबर 2021, आज हम नया एक और एडवेंचर शुरू करें, लुम्बिनी पहुंचने का इरादा रहेगा, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। 160 किलोमीटर के अराउंड है, 162, और यहां से पहुंचते ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, रोड पे पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। ये था होटल सेरेनिटी जहां पे हम रुके थे, और ये भाई थे यहां पे, और देखते हैं यहां से कितने देर में पहुंच पाते हैं, क्या होता है, कैंपिंग करनी पड़ेगी या क्या होगा, मेरे को नहीं पता, देखते हैं जो भी होता है। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, सुबह की पहली लिफ्ट मिल गई, थैंक यू। आई नीड टू गो उज्जवल रोड, सिद्धार्थ राजमार्ग, यू नो आप।